वेलकम टू तापस म्यूजिक शो गाइस। तो आज ये वाला गाना सुनेंगे का सहरे बाबू दुलहरे बाबू हाय रे। तो ये एक पुराना मूवी का गाना है। तो ये अभी इंस्टा रील पर बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। सो मैं सोचा आप लोगों को क्यों ना इसका गिटार स्टेप्स सिखा दे। चलो भाई शुरू करते हैं। ये छोटा सा लेसन होगा तो देख लेना। सो गाना यहाँ से शुरू हो रहा है, छम छम नचे दे फिरा, उसके बाद शुरू हो रहा है कोई सहरे बाबू दिल, तो किस तरह। ओके तो ये देख लो ना, ये शुरू हो रहा है अपना ए स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट से। ओके सो टू टाइम एट, उसके बाद फाइव ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, देन सेवन, देन फाइव टाइम फाइव। ये गाइस ये लाइन म्यूट करके प्ले करना, क्योंकि ये लाइन बाद में भी प्ले हो रहा है। तो अगर म्यूट करके करके प्ले करोगे पहले से तो फिर सुनने में अच्छा लगेगा, बाद में नॉर्मल प्ले करना, ठीक है। तो कुछ इस तरह। ओके तो इसके बाद गाने का लाइन सुन रहे बाबू दुलहरे बाबू हाय रे, तो ये गाना कुछ इस तरह शुरू होगा, देख लो ना। ओके तो ये लाइन देख लो, सो फाइव ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, देन एट टू टाइम ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन बैक टू फाइव ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग टू टाइम, देन एट सेवन फाइव फाइव, इतना फर्स्ट स्ट्रिंग्स के लिए, उसके बाद एट ऑन सेकंड स्ट्रिंग। ओके तो क्या हुआ, सेकेंड लाइन के लिए यहां से रिपीट करना एट से। ओके इतना समझ में आ गया, दो बार रिपीट करना है, ठीक है। उसके बाद हाय रे। ओके तो इसके लिए प्ले करना है हाय रे, इसके लिए चार नोट प्ले कर रहा है। तो देख लो ये शुरू हो रहा है अपना सेकंड स्ट्रिंग एट फ्रेट से, एट ऑन सेकंड स्ट्रिंग, उसके बाद फाइव ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग टू टाइम, देन सेवन ऑन फर्स्ट। तो ये दोनों लाइन में मिला के प्ले करते हो, एक बार देख लो। ओके इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद तक बन गया घुंगरू के छम छम नच दे फिरा, तो ये शुरू हो रहा है अपना यहां से। सो ये शुरू हो रहा है अपना फर्स्ट स्ट्रिंग्स सेवन फ्रेट से, यहाँ पे खत्म किया था हम लोग लास्ट नोट। तो ये सेवन ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग्स, देन टू टाइम एट ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन फाइव ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग्स, देन एट सेवन फाइव पर आना है थ्री टाइम, देन सेकंड स्ट्रिंग एट। तो क्या हुआ, ओके उसके बाद के छम छम नच दे फिरा, जो स्टार्टिंग में प्ले किया था। ओके तो स्टार्टिंग में टैप्स ऑलरेडी बटा दिया, फिर भी ये बता दे रहा हूँ, देख लो एट सेकंड स्ट्रिंग एट फ्रेट से शुरू हो रहा है, एट एट फाइव सेवन फर्स्ट स्ट्रिंग्स के लिए, उसके बाद फाइव टाइम फाइव। ओके आई होप क्लियर है जी। और अगर आपको लगे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो यहाँ पे यूट्यूब पे थ्री डॉट पे क्लिक करके वीडियो स्लो कर लेना, एक ऑप्शन है स्लो कर लेगा इंटू 75 ऐसे कर लेना, फिर आपको स्लो करके प्रैक्टिस कर लेना, जब प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद नॉर्मल करके बजाना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।